Hello friends, welcome to my channel. I'm sure a runner, an athlete or any fitness freak would like to keep a regular check on his or her health. We all know a strong body and a peaceful mind leads to perfect personality. Keeping same thing in mind, Jaipur Runners Club organized Bone Mineral Density Camp along with its monthly run at Central Park. Fitness enthusiasts joined the event from all parts of Jaipur. In the camp, over 100 plus old and new runners got benefited by views of Dr. Sadhana Arya and Dr. Shivangi. Let's hear what doctors have to say. And yeah, don't forget to like the video and subscribe to my channel for more interesting updates. तो normal आती है तो ठीक है, अगर osteopenia और borosis आता है, then we need to do something. और उसके बाद एक BMI का test हो रहा है, तो I have Shivangi Sharda here who can tell you the interpretations of the body fat analysis and stuff. तो आप उससे बात कर सकते हैं और या फिर osteoporosispenia के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं. And then you know we can have a small talk. वो एक क्या कुछ tips देंगी running के लिए, recovery के लिए 10 minutes की, ठीक है? So please if anyone wants to talk to me, they can come here. वार्मअप एंड कूल डाउन इज समथिंग जो हम लोग काफी मिस करते हैं, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसका डायरेक्ट लिंक है रिकवरी से. ना जब हम वार्मअप कर रहे होते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पंचेस. एक होता है स्टैटिक, जहाँ हम होल्ड करते हैं होल्डिंग द मसल, और एक होता है मूवमेंट डायनामिक. तो हम लोग को वार्मअप पे डायनामिक पढ़ना चाहिए, ना कि हम ये जो होल्ड करते हैं वो होता है वो कूल डाउन. जब हम मूवमेंट में रहते हैं दैट्स व्हेन हमारी बॉडी रेडी रहती है फॉर अ रन और यू नो फॉर योर एक्टिविटी. सो दैट इज वन मेजर थिंग. जब हम वो मिस करते हैं तो उसकी वजह से हमारी रिकवरी भी अफेक्ट होती है. सो जब हम वार्म अप करें वी नीड टू टेक आवर हार्ट रेट अप, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए. उसके लिए आप लोग ऑन स्पॉट जॉग कर सकते हैं, यू हैव टू लाइक रोटेशन आर्म रोटेशन, यू नो. सो ऑल द मूवमेंट होना चाहिए फॉर योर वार्म अप. फॉर कूल डाउन आपको स्टैटिक स्ट्रेचेस करना चाहिए, जहाँ पे आप होल्ड करते हैं मसल को. सो जैसे कि आपका लाइक यू नो बेंडिंग डाउन एंड होल्डिंग इट, या फिर आप लेग को होल्ड कर सकते हैं. मिनिमम 15 सेकेंड्स होना चाहिए, 15 टू 30 सेकेंड्स आप ब्रेन रहता है उसका, तो वो आपको रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा. अदर देन दैट द मेन थिंग इज योर फूड, मतलब आप जो खाना. वार्म अप, सो डायनामिक वार्म अप विल बी स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज हेड. सो आपका नॉर्मल लेग रोटेशन, सो ऑल द रोटेशन विल कम इन योर वार्म अप. योर आर्म रोटेशन, ट्रंक रोटेशन, एंड आपके पास आपका ऑल्टरनेट टो टच. सो ऑल दीज यहाँ पे हम मूवमेंट में रह रहे हैं, सो दैट्स योर डायनामिक, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका बॉडी इज रेडी फॉर द एक्टिविटी. स्टैटिक स्ट्रेचेस इज एज अ शो, आपका ये जस्ट यू नो होल्डिंग इट. सो मिनिमम 15 सेकेंड इज समथिंग जो आपको होल्ड करना चाहिए. This, उसके बाद लेग होल्ड, लेग वुड बी योर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. सो ऑल दिस शुड बी होल्ड फॉर 15 सेकेंड मिनिमम. आप 1 to 2 सेट्स कर सकते हैं इसका. सो दैट इज पार्ट ऑफ योर वार्म अप एंड योर कूल डाउन. नाउ फूड इज समथिंग जो काफ़ी लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि यू नो क्या खाना चाहिए क्या नहीं. एक होता है कि बिफोर योर रन, अगर आपकी रन 60 मिनट्स है तो फास्टेड रन करना इज नॉट एडवाइजेबल. मतलब आपको कुछ खाना चाहिए तो यू नो बनाना इज अ गुड ऑप्शन 15-20 मिनट्स पहले, या फिर डेट आप एक दो आवर्स खा सकते हैं, सो दैट योर बॉडी हैज़ दी एनर्जी टू डू दी एक्टिविटी. एंड पोस्ट योर वर्कआउट, पोस्ट योर रन और आप जो भी करते हैं एक्टिविटी, तो आपको 30 मिनट्स का एक विंडो होता है, उसमें यू शुड ईट. नाउ जनरली लोग प्रोटीन से ही पी लेते हैं, बट आपको कार्ब्स एंड प्रोटीन दोनों ज़रूरी है. द रीज़न बी प्रोटीन इज गुड फॉर योर मसल रिकवरी, एंड कार्ब्स हमारे जो ग्लाइकोजेनिक होता है मसल्स के अंदर, ग्लूकोज आप कह सकते हैं इन लेमैन टर्म, उसको रिकवर करने के लिए ज़रूरी है. तो अगर आप बोलो अगर आप कार्ब्स और प्रोटीन नहीं खाते तो आपकी रिकवरी बहुत स्लो डाउन हो जाती है. सो दिस इज़ वन मेजर टिप. नाउ बिकॉज हम लोग रनिंग करके जनरली वी आर आउटसाइड, द बेस्ट आइडिया वुड बी टू हैव अ बनाना. अगर कोई लोग स्वीट पोटेटो या पोटेटो भी कैरी करते हैं लोग, तो आप वो भी खा सकते हैं. एंड देन योर प्रोटीन, अगर हर जगह प्रोटीन शेक नहीं ले रहे हैं तो आप कौन सी प्योरी एग इज अ गुड ऑप्शन, आप वो खा सकते हैं. इवन नट्स के अंदर देयर इज सम सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप वो ले सकते हैं. आपका पनीर हो गया, टोफू हो गया, तो ऑल दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर पोस्ट वर्कआउट. सो या दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन. आज मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम लोग भी रन के बाद प्रोटीन शेक ले लेते थे, तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी रिकवरी में हेल्प करने. कोई कोई क्वेश्चन किसी का? हाइड्रेशन के ऊपर इफ यू वांट, इफ यू कैन शेयर. सो या थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग हाइड्रेशन.
हाइड्रेशन इज द की, मतलब आपको पूरे दिन में भी पानी पीना जरूरी है अगर आपको रन में अच्छा परफॉर्म करना है. नाउ वाटर इज देयर, मतलब आप पोस्ट वर्कआउट कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं. नाउ ड्यूरिंग योर रन ऑल्सो बहुत सब्जेक्टिव है हर जने का, बट इट्स एडवाइजेबल कि अगर आपकी 60 मिनट से ज्यादा रन है तो आप एटलीस्ट एक या दो से पानी पी रहे हैं. और अगर आपकी रन 60 मिनट से ज्यादा है तो आपको इन बिटवीन रन भी कुछ खाना चाहिए. तो यू नो समथिंग लाइक अ डेट, कई लोग काफ चेस लेते हैं आजकल, आप वो ले सकते हैं जो आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाए. क्योंकि 60 मिनट्स हमारी विंडो होती है जब हमारी मसल्स स्टार्ट डिप्लेटिंग, मतलब उसका एनर्जी लेवल निकलने लग जाता है. तो मॉर्निंग कॉफी आप ले सकते हैं, मतलब देर आर टू रिसोर्सेज जो हो चुकी है. एक है कि इट टेक्स अप योर बॉडी, मतलब अगर आप ब्लैक कॉफी पी रहे हैं तो मतलब इट विल हेल्प यू, मतलब जो आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज करने में, बट उसका डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. तो अगर आपकी बॉडी यूज टू है कॉफी के, यू शुड हैव इट विदाउट मिल्क. ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं अगर आप 60 मिनट, मतलब आपका एक्सरसाइज और कॉफी के बीच में, बट यू कैन हैव इट, बट इट डजंट हेल्प इन फैट लॉस. तो एक जो अर्ली मॉर्निंग जो लोग ब्लैक कॉफी पी के सोचते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे तो फैट लॉस होगा, वो नहीं होता है, बट इट हेल्प्स यू परफॉर्म बेटर, इट्स अ स्टिमुलेंट.